एवरीवन, वेलकम टू पकवान रेसिपी इन हिंदी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ इडली चिली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे इडली बनाकर उसके बाद बनाएं, और नहीं तो अगर आपके पास इडली बच गया है तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा आप इडली चिली बना सकते हैं बिल्कुल ईजी मेथड से। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते और फटाफट से हम लोग बनाते हैं इडली चिली। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। इडली चिली बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 6 से 7 पीस इडली। ये रवा इडली है। अगर आपको लिंक इसका चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगी, या फिर आई बटन आएगा उसे क्लिक करके देख लें। अब हम लोग इसे अपने मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब हम लोग इडली फ्राई करने के लिए बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक बाउल ली हूँ और इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, चावल का आटा 1 टेबल स्पून। इससे हम लोगों का इडली बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे और हम लोग सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ज्यादा वाटर ऐड ना करें। आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से थिकनेस होना चाहिए बैटर का। अब हम लोग चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैं एक पैन लूंगी और इसके फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी रिफाइंड ऑयल। ऑयल हीट हो चुका है। अब हम लोग इडली को बैटर में डिप करते हुए फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसका साइड चेंज करते हुए अच्छी तरह लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसे डिश आउट करेंगे। मैं एक पैन लूंगी और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें ओनियन ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह चिली में हम लोग ओनियन कट करते हैं, बस उसी तरह से इसे मैं कट कर ली हूँ। ये 1 पीस है बड़े साइज का, इसे ऐड कर दूंगी और इसे 1/2 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, 1 पीस है, ये स्मॉल साइज का है, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। 2 पीस ग्रीन चिली है, जिसे मैं इस तरह से इसे कट कर ली हूँ। अब हम लोग सबको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे टोमेटो, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लोग अच्छी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 1/4 टीस्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, साल्ट हम लोग 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, सॉस में भी साल्ट होता है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे भी ऐड कर देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून रेड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें नहीं तो कोई बात नहीं है। इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इडली और सबको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसके फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। इसे ज़्यादा हम लोग कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोगों का इडली सॉफ्ट हो सकता है और थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है तो अच्छा लगता है इडली। तो चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके उसके बाद दिखाती हूँ। तो लीजिए, हम लोगों का इडली चिली बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।